أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to the online classes and today we are going to start the lecture number 2 of our chapter number 1 I believe that you guys have already done the lecture number 1 very clearly and now you have a firm base about what is computer what was the dark age about and what are the key inventions which actually covered in the dark ages है ना ये बातें आप समझ में आ गई होंगी furthermore we have also discussed the briefly the uses of a computer system तो ये कौन कौन सी फील्ड में कंप्यूटर जो है इस्तेमाल होता है we are now familiar with that one is it so or not आ रहा है ना भाई ये बात जब ये बातें समझ में आ रही हैं तो आगे चलते हैं हम आज और आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थिंग्स हमें अगली चीजों के ऊपर जाना है और उन चीजों में सबसे पहला हमारे पास आज का इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा है 19th सेंचुरी से ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा स्टार्ट होता है ये सब हम कवर कर चुके हैं जो ये हटाने भी जरूरी था लेकिन मैंने कहा चलें कवर करते हैं दिस एरा स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी इफ यू रिमेंबर दैट मिड ऑफ द 19th सेंचुरी ज्यादा पुरानी बात नहीं है आज से तकरीबन 150 साल ओल्ड बात है ठीक है इसमें इन्होंने मजीद फास्टर मशीन्स बनाने की कोशिश की एक बात नोट करते जाइए बातें कि व्हाट आर द की डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ दिस एंड द प्रीवियस वन तो इसमें एक तो इन्होंने मजीद फास्टेस्ट बनाया सो व्हाट वी मीन बाय यूजिंग द वर्ड फास्टेस्ट के दी मशीन की कैलकुलेशन का टाइम और रिड्यूस हो गया वो आंसर देने का टाइम आउटपुट जनरेट करने का टाइम जो है वो और रिड्यूस होता चला गया पहली बात दूसरी चीज ये कि पहले अगर आपको याद हो तो दैट वाज टोटली द मैकेनिकल मैकेनिकल में हम मोस्टली हाथ से इनपुट दे रहे थे और काम कर रहे थे तो यहाँ पे स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी भाप और करंट की भी मदद ली जाने लग गई इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा के अंदर सो इट इज अ इंटरमीडिएटरी जो है क्या कहते हैं एरा जहाँ पे मैकेनिकल का हिस्सा तो इस्तेमाल हो रहा था लेकिन मैकेनिकल के साथ आपके पास जो है वो इस्तेमाल की नई चीज भी आ गई यानी इलेक्ट्रिसिटी या करंट को भी यूटिलाइज करना शुरू कर दिया उम्मीद समझा द की इन्वेंशन इन दैट वन द हर्मन हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन 1898 AD ठीक है अमेरिकन इन्वेंटर था ये इसने जो है ये टैबुलेशन मशीन डेवलप की और इस टैबुलेशन मशीन को किस लिए डेवलप किए गए इट इज फॉर द सेंसस सेंसस किसे कहते हैं मर्दमशुमारी को कहते हैं सो फॉर द मर्दमशुमारी इट इज बीइंग डन एंड दिस मशीन इज डेवलप फॉर यूजिंग दैट वन लेट मी टेक अ वाटर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ओके सो यहाँ पर हमारे पास आगे इसमें सेंसस लिया इसने 6 महीने का तकरीबन डाटा अपने यानी मर्दमशुमारी का डाटा होल्ड कर सकता है उसकी एनालिसिस कर सकता है और उस वक्त उस मशीन की स्पीड का आप अंदाजा लगाएं कि इसको 7 साल लगे कंप्लीट करने में इस चीज को ठीक है दैट वाज स्लो आज के दौर में सुनते हैं तो शायद हंसी आती है लेकिन आप सोचें कोई चीज बिल्कुल न्यूली इन्वेंट हुई है और उसकी न्यूली इन्वेंशन के साथ ही काम आता है इसके बाद हम अगले एरा पे आते हैं विच वी कॉल द इलेक्ट्रॉनिक एरा विलियम शॉकले इज अ पाइनियर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है 1930 आई गेस विलियम शॉकले का ईयर है और इसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गैजेट्स बनाए यहाँ पे हम कंप्यूटर को बेटा जनरेशंस में तोड़ते हैं ठीक है फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट आफ्टर 1939 विच मींस द 1940 ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के करीब करीब जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी 1910 11 12 13 14 15 के अंदर और यहाँ पर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जमाना स्टार्ट हो रहा है और उस वक्त ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ गया ठीक है इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो पहला एरा है पहला जो जमाना है दैट मे कंसिस्ट ऑफ अ 16 इयर्स एंड द की इन्वेंशन इज अ वैक्यूम ट्यूब आगे मैंने एक एनालिसिस आपके लिए बनाई है थोड़ा सा हम इसको देखते जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन है इसकी की इन्वेंशन जो है वो हमारे पास क्या है वैक्यूम ट्यूब है और इस तरह के जो कंप्यूटर थे वो क्या करते थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप जरा सा देखते जाइए तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट सर इज टॉकिंग अबाउट पहली चीज ये है कि जी दे आर वेरी लार्ज इन साइज सही है पहली बात ये याद रहेगी कि ये लार्ज इन साइज है ठीक है और इनकी मशीन लैंग्वेज या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था कि 0 और 1 को ये सिर्फ अंडरस्टैंड करते थे मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे जो कि बहुत बड़े साइज में होते थे ये मैग्नेटिक ड्रम्स हमारे पास यूज होते हैं ठीक है और इसी तरीके से इंटरनल स्टोरेज मीडियम वॉज द पंच कार्ड इंटरनल स्टोरेज मीडियम जो मेमोरी के तौर पे यूज होता था वो पंच कार्ड होता था इनपुट के लिए ठीक होगी बात ये आपके सामने डायग्राम भी आ रही है इस डायग्राम को भी अगर आप देखेंगे तो आपको मजीद समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ये की पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ या पॉइंट वाइज बना सकते हैं
ठीक है, ये जनरेशन जो है बैच प्रोसेसिंग करती थी। तो अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? बैच कहते हैं किसी, फॉर एग्जांपल आप क्लास में 30, 40, 50 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये एक बैच है अपने ईयर का। सन 2020 में आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, 21 में सुन रहे हैं, 25 में सुन रहे हैं, तो जब आप सुन रहे हैं तो ये आपका एक बैच है। इस बैच में ये जितने भी 30, 40, 50 स्टूडेंट्स हैं, ये सब एक साथ 9 को एग्जाम्स को क्लियर करेंगे या 8 के एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। इस तरह की प्रोसेसिंग को जहाँ पे यकमुश एक जैसी सिमिलर टास्क एक साथ हो रही हो, हम क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग कह रहे होते हैं। सही, समझ में आ रही है बात? ये कोई मसला बेटा इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो लिहाजा ये हमारे पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दिस कंप्यूटर वाज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पस। ठीक है, क्या था हमारे पास? ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ईनाइक और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स भी पता होनी चाहिए। इसके बाद बेटा शुरू होता है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये ट्रांजिस्टर्स बने विलियम शॉकले, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, वो इसका पाइनियर था सेकंड जनरेशन का 1956 से 63। ये ऑलमोस्ट तकरीबन कितने साल बनते हैं, 4 और 3, 7, 7 साल ये जनरेशन एग्जिस्ट करती है। और ट्रांजिस्टर जो कि वैक्यूम ट्यूब से एज ए कंपेरिजन इट आर स्मॉलर, ये जो है स्मॉलर थे। और यहाँ पे पॉपुलर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, दैट लैंग्वेज इज अ फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। ठीक है, फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज होती थी हमारे पास। एंड देन मैग्नेटिक कोर वाज यूज एज अ प्राइमरी और इंटरनल स्टोरेज। वहां पे क्या इस्तेमाल हो रहा था, पंच कार्ड इनपुट के लिए। यहाँ पे भी बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे हमने देखा कि जी ओनली बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम वॉज एलोकेटेड, और यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग और सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो भी यूज होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मुराद है हमारी, ये चीज जरा सा आप मुझे बताएंगे तो पता चलेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक वक्त में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो उसके अंदर इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। जैसे आजकल का हमारे पास मल्टी टास्क कंप्यूटर्स हैं, और इसमें हम वी कैन डू मोर देन द वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, एक साथ बहुत सारे टास्क हम कर सकते हैं। ठीक हो गई बात, ये क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर ऑन अ सिंगल चिप वी कॉल्ड इट आईसी। क्या कहते हैं हम इसको, आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। ये आपके सामने एक आईसी की पिक्चर आ रही है। अगर आपको आज के लेक्चर की ओपनिंग याद हो तो उसमें भी हमने मदरबोर्ड में इस तरह की कई सारी चिप्स लगाई थी। तो आईसी कंप्रोइजेस विद अ लॉट ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो कोबॉल थी। कोबॉल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंड्स फॉर, ये आपको याद होने चाहिए चीजें। तो यहाँ पर आपके पास जो है कोबॉल यूज होती थी कीबोर्ड को एज अ इनपुट। वहां पे पंच कार्ड यूज होता था, यहाँ पे कीबोर्ड यूज हो रहा है मॉनिटर को एज अ आउटपुट। यानी वो जो हमारा वाला सिस्टम है जिस शक्ल में हम आज देखते हैं, ये उसके अब्बा जान थे एक तरह से। 1964 से 71 तक ये एरा चला, तकरीबन 6-7 साल का अरसा रहा। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बड़ी पॉपुलर मिसाल मैं आपको दूं, मिसाइल गाइडेड सिस्टम। मिसाइल जब आपको दागने होते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मिसाइल के एक की के ऊपर आगे मूव कर रहा होता है, तो वो जो है क्या कहते हैं हमारे पास, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि आपने आज मिसाइल परसों लगा तो अपना निशाना भी चूक जाएगा, तो लिहाजा ये चीज है। ठीक है, और इसकी पॉपुलर एग्जांपल आईबीएम 360, आईबीएम 370 है थर्ड जनरेशन की। की बात ये याद रखनी है कि इट कंप्रेसेस ऑफ अ इंटीग्रेटेड सर्किट विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बल्कि 100 ट्रांजिस्टर मे बी एम्बेडेड ऑन अ सिंगल जो है क्या कहते हैं आईसी हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर वो जो आईसी थे दे कंबाइन टूगेदर दे फॉर्म द माइक्रोचिप। ये जो एक माइक्रो प्रोसेसर आपको नजर आ रहा है ना बेटा, इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये जो माइक्रो प्रोसेसर है पूरा, इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है बहुत सारी चिप्स जो है हमारे पास एक साथ लगी हुई होती हैं, बहुत सारे मामलात मौजूद होते हैं। तो आईसी क्या बात हुई, कम्बिनेशन क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो
किससे बन रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स किससे बन रहे हैं। पीछे आपने देखा वैक्यूम ट्यूब की मॉडिफाइड शक्ल, इलेक्ट्रॉनिक डायोड और सेमीकंडक्टर से बनते हैं। मेनी ट्रांजिस्टर्स कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म द आईसीज एंड डिफरेंट आईसीज आर एम्बेडेड ऑन द सिंगल बोर्ड, वी कॉल द मदर बोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर हम इसे कह रहे होते हैं। दैट इज द रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, लेस एक्सपेंसिव है। वाई इट इज लीस एक्सपेंसिव, बिकॉज ट्रांजिस्टर में रिक्वायर्ड अ लीस्ट कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ हार्डवेयर एज कम्पेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की नस्बत इसको थोड़े थे तो इसलिए ये सस्ता बन जाता है। ठीक है, दे यूज द सेमी कंडक्टर्स, अभी मैंने बात की, क्योंकि ये जितनी भी आई सी और ट्रांजिस्टर हैं सब सेमी कंडक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे रैम है, राम नहीं पढ़ना है इसको, रैम पढ़ना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आर ओ एम रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों चीजें हमारे पास होती हैं। ऑल्सो वी आर यूजिंग द मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज भी इस जमाने में यूज हुई। उसकी मैं एक आपको गूगल करके शक्ल दिखा देता हूँ कि इस जमाने, अब आप लोग तो जिस जमाने में मौजूद हैं इसमें तो ये सब चीजें मौजूद भी नहीं है, तो लेट्स गो थ्रू विद दैट वन। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज, ये देखें स्टोरेज की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, गुड हो गया, लेकिन फिर भी दिखा रहा है ये हार्ड डिस्क की शक्ल आ रही है, पुराने जमाने की मैग्नेटिक स्टोरेज लगा सा देखें आप, तो ये 1.44 की फ्लॉपी ड्राइव नजर आ रही है हमें, आजकल सीडी ड्राइव और ये तमाम चीजें नजर आती हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर पॉपुलर इन दैट वन, तो दीज वी कॉल्ड ये मैग्नेटिक फेनोमेना पे करते हैं। आगे हार्ड डिस्क जब हम पढ़ रहे होंगे तो उधर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये मैग्नेटिक स्टोरेज है क्या एंड हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन। तो मैग्नेटिक, और यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस है, तो यहाँ एक बात और नोट कर लेंगे सर, हाई लेवल के अलावा कौन सी लैंग्वेज होती है, तो बेटा हाई लेवल और लो लेवल दोनों होती हैं, इसके अलावा मशीन लैंग्वेजेस भी होती हैं। तो ये आगे लैंग्वेजेस का पोर्शन जब आएगा तो आई विल क्लियर डेफिनेटली, यहाँ पे सब बातें बताएंगे तो असल टॉपिक सेट जाएंगे विच इज जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे बस याद रखने की बात ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, आजकल के जमाने में जो है वो तो रोबोटिक्स की लैंग्वेजेस है, वो फिफ्थ जनरेशन से ऑनवर्ड्स आएंगी। तो अब फिफ्थ जनरेशन पे चलते हैं, ये आ गया रोबोट, आ गया आपके पास ह्यूमनॉइड रोबोट, दे आर कैपेबल टू मेक द डिसीजन, इस जनरेशन की प्रेजेंट टू बियॉन्ड, यानी अभी तक ये कैरी कर रहा है, चल रहा है ये जनरेशन। इस जनरेशन की सबसे प्यारी बात ये है कि ये सेल्फ लर्निंग करते हैं यहाँ पे सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि आप फेसबुक पे या गूगल पे जो सर्च कर रहे हैं अगली दफा उसी सर्च से रिलेटेड चीजें वो आपको खुद ब खुद एडवर्टाइजमेंट में आ रही होंगी और आप सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये क्या हुआ। तो ये हो क्वेश्चन ही रहा है, इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI, ये सामने आपके आ रहा है, AI जो है वो वर्कआउट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये जो उसको सर्किल कर रहा हूँ मैं, ये वाली चीज कर रही है। ठीक है, मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्न करती है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट लर्निंग वो आगे खुद से काम करती है। मैं दो चार और मोटी मोटी बात कहूँ तो इसमें जो है आपके पास इजी न्यूरल नेटवर्क्स भी काम करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम्स और रोबोटिक्स भी काम करते हैं, सिर्फ नाम की हद तक समझिए, फिलहाल आपका स्कोप नहीं है ये कि आप इन चीज़ों को गो थ्रू करें बेटा। इसके बाद जो है अब हम चलेंगे अपनी स्लाइड्स के ऊपर जिसमें हमने इनके कंपैरिजन, यानी ये जो जनरेशंस हैं इनके कंपैरिजन्स को आपस में डिस्कस किया है। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो गया बट द थिंग इज दैट कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल ठीक से आनी चाहिए। अच्छा, मजीद डिटेल के लिए या मजीद इस तरह के लेक्चर्स या इनसे बेहतर लर्निंग के लिए आपको अगर कुछ चाहिए तो यू कैन विजिट अवर चैनल्स, आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। वन इज़ अ प्रोफेसर MM मंजूर, दैट इज़ माई चैनल, एंड हेयर यू कैन लर्न अलॉट अबाउट द टेक्निकल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स इन वेरी इजीएस्ट वे इंशाल्लाह ताला। और दिस इज अवर स्कूल चैनल, तो ये भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। लेट्स बैक टू द एक्चुअल टॉपिक के जनरेशन को थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर कर लें। तो ये आपके सामने जनरेशन को एक्सप्लोर करने के लिए हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया बिल्कुल। ठीक है भाई, कर दें स्टार्ट, कोई मसला तो नहीं इधर आ गया दोबारा में। तो जनरेशन स्टार्ट करते हैं और उस जनरेशन को गो थ्रू करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर आप देखें, मोटी सी बात जो है वो ये कि फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, इस तस्वीर को हमने देखा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर को भी देखा हुआ है, और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, VLSI कहते हैं इस टेक्नोलॉजी को, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, VLSI ये लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। और ये फिर हमारे पास आती है ULSI टेक्नोलॉजी जो आजकल हम यूज करते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अलग से स्लाइड्स बनाने का फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको मजीद एडिशनल नॉलेज जो है वो आपके जुमरे में आ जाए। अच्छा, अब जिस काम के लिए स्लाइड पे आए थे वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है,
जनरेशन का नाम, उसके पीरियड रेंज, ठीक है। अच्छा, इसमें हो सकता है जैसे ये 1940 से 56 तक है, यहाँ पे 42 से 55 लिखे, तो आप बुक वाली फॉलो करें, फिर एग्जामिनर ने आपको बुक के मुताबिक नंबर देने, तो जनरेशन वो, बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, बिग इन साइज, ये कंज्यूम मोर पावर, क्योंकि बड़ा साइज होगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, हीट ज्यादा निकालेगा तो ओवर हीटेड भी होगा, और मशीन लैंग्वेज यूज होती थी फोर्ट्रॉन, अगर आपको याद हो, इसी तरीके से इनके ये पॉइंट्स हैं। तो आपने ये टेबल रिप्रोड्यूस करना है विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो तीन सवाल आपने करने हैं बेटा, उन तीनों सवालों को मैं यहाँ स्क्रीन आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको वो सवाल करना आसान हो जाए, ठीक हो गई बात ये। चलें जी, क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास जो इसमें करना है, इस लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो इसमें हमने सबसे पहले लिखना है राइट अ शॉर्ट नोट, जब मैंने सब कैपिटल में लिखा है क्योंकि कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ भी कर सकते हैं लेकिन आपको पढ़ने में भी है, शॉर्ट नोट ऑन किसके ऊपर, इलेक्ट्रो, ठीक है, आर ओ लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा, ठीक है, और उसकी की इन्वेंशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू बेटा आपका है यहाँ पर के व्हाट आर कंप्यूटर जनरेशंस, सही है, आई ओ एन वहां छुप गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन थ्री जो है आपके पास राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आपने पूरी स्पेस लिखनी है, डिसएडवांटेज ऑफ ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है बेटा, UMPUTER, ठीक है, कंप्यूटर हो गया। और आखिरी क्वेश्चन है आज का, जो अभी आखिरी स्लाइड आपके साथ पॉपअप हुई, राइट द की फीचर्स, राइट द की फीचर्स, फीचर्स ऑफ ईच जनरेशन, कहने का मकसद जो है आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास सवालात आ गए, आगे सवालात, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये वाला आखिरी सवाल का आंसर तो आपने ये वाला रिप्रोड्यूस करना है इस जनरेशन के अंदर, एंड सो फोर्थ, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे लेक्चर समझ में आए होंगे और मजा भी आया होगा आपको हमारे साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने पढ़ाई करते रहिएगा, होमवर्क टाइम पे सबमिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने होमवर्क टाइम पे सबमिट नहीं किया तो काम खराब हो जाएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह।